और पूर्व मंत्री महेश जोशी पर शिकंजा कसती दिख रही है। ईडी ने एक नोटिस देकर जयपुर स्थित ईडी मुख्यालय में जोशी को आज प्रकरण में पूछताछ को लेकर बुलाया था, लेकिन जोशी पेश नहीं हुए। जोशी ने ईडी के नोटिस का जवाब देकर ईडी के सवालों के जवाब के लिए 15 दिन का वक्त मांगा है। महेश जोशी का कहना है कि शनिवार को ईडी का पूछताछ से जुड़ा नोटिस प्राप्त हुआ। एक दिन पहले संडे था और नोटिस में कई तरह के सवाल थे जिनका जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन वक्त चाहिए। ऐसे में ईडी से 15 दिन का समय मांगा है। अगर ये समय मिलता है तो वो ईडी के समक्ष पेश कर हर सवाल का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। बता दें कि ईडी की तरफ से पहले भी इस मामले को लेकर जोशी के घर रेड हो चुकी है। जो ईडी जांच कर रही है उस संबंध में मुझे नोटिस भेजा गया, लेकिन नोटिस इतने जल्दबाजी का था। शनिवार को दोपहर में नोटिस आया कि सोमवार को सुबह 10:30 बजे पेश हों। एक लंबी फेरिस्त उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की मुझसे चाही गई थी। कल संडे था, वैसे भी एक दिन में संभव नहीं था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा सकें। तो मैंने ईडी को रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे 15 दिन का कम से कम समय दिया जाए ताकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके फिर ईडी के सामने पेश हो सकूँ। मेरे विभाग में जितने समय मैं मंत्री रहा उस बारे में कह सकता हूँ, हर काम चाहे वो JJM के टेंडर प्रक्रिया हो या दूसरे काम हो, वो सरकारी स्तर पर पूरी प्रक्रिया के तहत किए गए और उन प्रक्रियाओं में अगर किसी तरह की कोई कमी नज़र आती तब तो 3 महीने नई सरकार बने हो गए, वो कुछ एक्शन लेते, कुछ जानकारी जुटाते। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता है, किसी प्रकार की कोई बात पिछले 3 महीने में राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने मेरे खिलाफ कोई पाई गई हो। ये जो टेंडर प्रक्रिया होती है इसमें मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, न मेरी थी, न मुझसे पहले कल्ला जी मंत्री थे उनकी थी, न वर्तमान में अभी जो कन्हैया जी चौधरी हैं वो मंत्री हैं। टेंडर प्रक्रिया में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, कहीं मंत्री इसके अंदर नहीं होता। तो जब टेंडर प्रक्रिया में हम होते ही नहीं हैं कितने आरोप लगाओ। कोई डर है कि सर की गिरफ्तारी हो सकती है ईडी के? देखिए, न तो ईडी का डर है और न ईडी से भागने का कोई मतलब है। प्रक्रिया के तहत तो उनका अधिकार बनता है मेरे को बुलाएं, मेरा अधिकार बनता है कि मैं उनसे समय मांगूं, अपने अपने अधिकार का कानूनी अधिकारों का उपयोग करें। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ, क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर? बयान भी अब सामने आ गया है जल जीवन मिशन को लेकर महेश जोशी का। दशरथ, देखिए, JJM को लेकर जो शिकायतें थी और पहले ACB में ये मामला था और उसके बाद में ईडी ने पूरे मामले की जांच शुरू की, तब कई तरह के रेड हुई थी। महेश जोशी के घर पहले रेड हुई थी, उनके कुछ करीबी हैं उनके घर रेड हुई थी, कुछ ठेकेदार थे भी PHD विभाग के, उनको पकड़ा गया था ईडी की तरफ से। तो आज एक बार फिर महेश जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी हुआ था। शनिवार को ये नोटिस महेश जोशी को मिला था और महेश जोशी ने आज बातचीत करते हुए मीडिया के साथ ये कहा कि उनको तकरीबन 15 दिन का समय चाहिए, क्योंकि जो नोटिस ईडी की तरफ से पेश होने का जारी किया गया था उसमें कुछ सवालात भी थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि कई पुराने जो इश्यूज हैं, मामले हैं, उनके जो कागज हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वक्त चाहिए। तो ऐसे में महेश जोशी की तरफ से 15 दिन का वक्त मांगा गया ईडी की तरफ से। अब क्या ईडी 15 दिन का वक्त महेश जोशी को देती या नहीं देती, बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर शुरू से ही ईडी की नजर महेश जोशी पर थी। तो आज दूसरी बार उनको नोटिस ये जारी हुआ था पूछताछ के लिए। इससे पहले उनके घर रेड हुई थी, रेड में ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी और अब मुख्यालय बुलाया था जयपुर में। तो आज वो हालांकि पेश नहीं हुई, 15 दिन का समय मांगा है। क्या 15 दिन का समय मिलेगा या नहीं ये अभी साफ नहीं हुआ है। जी दशरथ, क्या कहना है? एक तरफ लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ लगातार ईडी के नोटिस पर नोटिस, क्या कुछ जुड़ाव है? देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बीच ये नोटिस जारी हो रहे हैं, ये सवाल भी महेश जोशी से पूछा गया था, तब उनका कहना था चुनाव जरूर चल रहे हैं लेकिन नोटिस उनको मिला है। इसके पीछे ईडी की मंशा क्या है वो तो ईडी जानी। इस तरह के जवाब महेश जोशी की तरफ से दिए गए, लेकिन JJM का जो घोटाला था उसको लेकर लगातार ईडी की रेड राजस्थान में हुई है पहले भी, और शुरू से ही महेश जोशी का नाम उसमें सामने आ रहा था। तो जब उनसे पूछताछ होगी आज या कुछ दिनों बाद में, पूछताछ के बाद उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल 15 दिन का समय महेश जोशी की तरफ से ईडी से मांगा गया है।
दशरथ, सरकार की तरफ से या फिर कोई प्रशासनिक तौर पर कोई बयान सामने आया है इस मामले को लेकर? देखिए, इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं कृषि विभाग के, उनके तरफ से ये कहा गया था जब वो मंत्री नहीं थे, पूर्ववर्ती जब सरकार यहाँ थी गहलोत की, उस वक्त उनकी तरफ से महेश जोशी पर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि महेश जोशी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कई कंपनियों को जो टेंडर हुए उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई थी और उन अनियमितताओं का महेश जोशी को पता था। बहरहाल अब इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने गलत काम किया वो बचेंगे नहीं और जो पाकसाथ है उस पर कोई आंच नहीं। लगातार इस मसले को लेकर ईडी जांच कर रही है। दशरथ, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।